Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher. Today I'm class 10th CBSE NCERT book chapter pair of linear equation in two variable exercise 3.2 question 4 ka first part hum yahan pe solve karenge is video mein. Question is which of the following pair of linear equations are consistent inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हमें पहले तो ये जो दो इक्वेशंस आपकी गिवन है इनको फाइंड करके ये बताना है दैट ये कंसिस्टेंट हैं या नहीं है. इफ़ कंसिस्टेंट हैं देन सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली बताना है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 2 में हमने पहले ही पढ़ रखा है दैट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम कैसे फाइंड करते हैं. तो सेम वही प्रोसीजर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इक्वेशन यहाँ पे आपकी फर्स्ट गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. इक्वेशन 1, इसे हम कंपेयर कर लेते हैं दैट ए वन इज इक्वल्स टू यहाँ पे कॉफिशेंट 1, बी वन इक्वल्स टू 1 है एंड सी वन इज इक्वल्स टू 5. इक्वेशन सेकेंड ये लिखिए आपके यहाँ पे 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. इक्वेशन 2, ए टू इज इक्वल्स टू 2, बी टू इज इक्वल्स टू 2, सी टू इक्वल्स टू 10. यहाँ पे सी टू आपका 10 गिवन है. ओके, नाउ हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं. ए वन बाई ए टू दैट इज ए वन इज 1, ए टू इज 2. बी वन बाई बी टू फाइंड कर लेते हैं. बी वन इज 1, बी टू इज 2. सी वन बाई सी टू फाइंड कर लेते हैं. सी वन इज 5 और C2 आपका यहाँ पे है 10. 5 times 5, 5 times 10 यानी कि आपका C1 by C2 1 by 2. Here A1 by A2 B1 by B2 is equals to C1 by C2 आपका कितना है 1 by 2. यहाँ पे ऑल रेशियो इक्वल हैं. इफ ऑल रेशियो इक्वल होते हैं देन आपकी कोइंसिडेंट लाइन होती है. ठीक है, को इंसिडेंट लाइन, ये आपकी कोइंसिडेंट लाइन है. और कोइंसिडेंट लाइन है यानी कि आपको इनफाइनाइट यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेंगे. इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेंगे. ठीक है, इट मीन्स द पेयर ऑफ linear equations are consistent. ओके, आपकी ये जो दो इक्वेशंस गिवन है ये कंसिस्टेंट है. अभी क्वेश्चन कह रहा है इफ कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है. इसके अबाउट भी मैंने आपको बिफोर इंट्रोडक्शन में बताया था कि कैसे हम ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. तो ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम पहले टेबल मेक कर लेते हैं. फर्स्ट आपका जो इक्वेशन है दैट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, सो दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू 5 माइनस वाई. टेबल यहाँ पे मेक कर लीजिए. हमें सिर्फ दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए. सो यहाँ पे इफ हम वाई इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं तो इक्वेशन में पुट कर लीजिए x इक्वल्स टू 5 माइनस 0 दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 5. y आपने 0 पुट किया देन x आपका 5 आ गया. एंड नाउ हम y को 5 पुट कर देते हैं. इफ y इक्वल्स टू 5 देन इक्वेशन देख लीजिए क्या हो जाएगी. x इक्वल्स टू 5 माइनस 5 दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0. y आपका 5 हमने पुट किया देन x क्या आ गया 0. नाउ सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. सेम एज 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 2y. 2x यहां से 2 कॉमन ले लीजिए आप देन 5 माइनस वाई.
टू से टू कैंसिल आउट, दैट एम्प्लाइज आपका एक्स इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। हम फिर भी टेबल हम एक कर लेते हैं, सेकेंड टेबल एक्स और वाई। हम इस इक्वेशन में पहले एक्स इक्वल्स वाई इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। सो 0 पुट करने पे यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल्स टू 5 माइनस 0, दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू 5। वाई हमने 0 पुट किया, देन एक्स 5। नाउ वाई इक्वल्स टू हम 5 पुट कर देते हैं इन द इक्वेशन, तो यहाँ पे देख लीजिए एक्स इक्वल्स टू 5 पुट कर रहे हैं, सो दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू 0। वाई हमने 5 पुट किया, देन एक्स आपका 0 आ गया। अब ये दो जो हमारे पॉइंट्स आ गए हैं दोनों इक्वेशंस के, हम इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट जो आपके पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए एक्स 5 एंड वाई 0, एक्स 5 एंड वाई 0। एक्स एक्सिस पर एक्स ये 5 आपका और वाई आपका 0 होता है, सो दिस पॉइंट 5, 0। सेकेंड पॉइंट क्या है फर्स्ट लाइन के लिए, एक्स 0 वाई 5, एक्स 0 एक्स 0 एंड वाई 5, दिस पॉइंट एक्स 0 एंड वाई 5। हम इन दोनों लाइंस को क्या करेंगे, अभी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, बोथ लाइंस को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ड्रॉ हो गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स हम देख लेते हैं क्या है हमारे, एक्स इक्वल्स टू 5 एंड वाई 0, एक्स 5 एंड वाई 0, एक्स 5 एंड वाई 0, सेम यही पॉइंट आएगा आपका एक्स 5 एंड वाई 0। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे देख लीजिए, वाई एक्स 0 वाई 5, एक्स 0 और वाई 5 ये आपका आएगा, ठीक है, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन है यानी कि ओवरलैप करेंगी लाइंस, ठीक है, और ओवरलैप करती हैं तो सेम पॉइंट्स ही आपको मिलते हैं। ठीक है, हम मैं सेकेंड लाइन को रेड पेन से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, ये सेकेंड लाइन है, सेकेंड आपकी लाइन जो गिवन है दैट इज 2x + 2y = 10। ओके, ये दोनों लाइंस हमने यहाँ पे ग्राफ पे ड्रॉ कर ली हैं, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। अभी देखिए हमें यहाँ पे ग्राफिकली सॉल्यूशंस फाइंड करना है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, तो इसके लिए सेकंड यहाँ पे सपोज हम ये पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे भी लाइन ओवरलैप कर रही है, तो यहाँ पे एक्स देखिए, अब इसे हम ए पॉइंट ले लेते हैं, एक्स इज 4 एंड वाई इज 1, एक्स 4 वाई 1, ये पॉइंट भी यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट देखिए एक्स इज 3 एंड वाई इज 2, इसे आप बी पॉइंट ले लीजिए। ऐसे ही ये पॉइंट, दिस पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे इस इक्वेशन में। ओके, सो हियर द ग्राफ ऑफ द टू इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, हेंस द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, दैट इज कंसिस्टेंट। हमें कंसिस्टेंट बताना था जो कि हमने पहले ही बता दिया था, सो सॉल्यूशंस आर
सॉल्यूशंस आर ए पॉइंट, यहाँ पे देखिए मैंने आपको अभी बताया ए पॉइंट क्या है आपका 4.1 एंड बी पॉइंट 3.2। ए पॉइंट इज 4.1, बी पॉइंट 3.2, दिस इज योर बी पॉइंट। सो ऐसे ही आपको इनफाइनाइट इनफाइनाइट यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। इफ आपको कोई भी डाउट है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आस्क कर सकते हैं। और इफ आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।